मैं देव समाज कॉलेज फॉर वेमेन चंडीगढ़ में इंग्लिश डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। मैं आप सभी को 25वें राष्ट्रीय पठन दिवस की बधाई देता हूँ जो आज मनाया जा रहा है। अगले सप्ताह को राष्ट्रीय पठन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और आज का दिन 19 जून से 18 जुलाई तक राष्ट्रीय पठन मास की शुरुआत का भी प्रतीक है। मैं इस कहानी को आप सभी के साथ साझा करने के लिए, यह प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए फ्राइडे फेबल्स को धन्यवाद कहता हूँ। मैं कैश शीर्षक से एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ जो मेरे द्वारा लिखी गई रिगर्जिटेशन नामक कहानी का हिंदी में अनुवाद है, जो 2015 में आउट ऑफ प्रिंट पत्रिका के ब्लॉग पर प्रकाशित हुई थी। मैं कहानी शुरू करता हूँ। पहली बार जब मुझे इस नाम से पुकारा गया तब मैं किंडरगार्टन में पढ़ता था। मुझे उस शब्द के मायने पता न थे, लेकिन मैं समझ गया था कि जब स्कूल बस में सीनियर लड़कों ने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए मुझे उस नाम से संबोधित किया, उन्होंने मुझे बड़े हिकारत से देखा था। और मानो कल की ही बात हो, जब मैंने किशोरावस्था में कदम ही रखा था और एक अंतर स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान जब मेरी गलती के कारण मेरी टीम का कप्तान रन आउट हो गया और हम मैच हार गए, तो मुझे फिर उसी शब्द से अपमानित किया गया था। मैं घर लौटकर सीधे बाथरूम में गया और खुद को अंदर बंद कर बहुत रोया था। माँ ने मुझे बहलाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो विफल रहीं। वो बार बार पूछती रही कि मैं क्यों उस दोपहर स्कूल के मैदान से लौटने के बाद रोए जा रहा था। हालांकि वह आखिरी बार था जब मैं रोया। मैं वास्तव में अच्छी क्रिकेट खेलता था, लेकिन उस दोपहर के बाद मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसे अनुभवों की गिनती में इजाफा होने लगा जब मुझे उस घृणित शब्द से संबोधित किया गया। मेरा विश्वास करो, इसने मेरी रक्त कोशिकाओं को इस तरह से प्रभावित किया जैसे कुनैन मलेरिया परजीवियों को मारने के लिए प्रभावित करती है। मैंने वास्तव में अपनी रक्त वाहिकाओं से खून चूसने वाले मच्छरों को मरते देखा। और आप इस बदन की मांसपेशियों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही जिम के लिए उत्साही रहा हूँ। या तो एक दो बार जब कुछ बदमाशों ने मुझे बार बार उस शब्द के से संबोधित कर तंग किया, तो उन्हें कुछ प्रतिरोध दिखाने की आवश्यकता महसूस हुई। जिम में सभी मेरी भारतोलन क्षमताओं से जलते थे। वे मेरे द्वारा हर सेट में उठाए गए वजन पर दंग रह जाते थे। मैं समझ गया था कि आपकी शक्ति के परिणाम स्वरूप अन्य लोग आपसे डरते हैं। अब कोई मेरे सामने वे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने अपनी पीठ पीछे कई दफ़ा वो शब्द सुना, लेकिन हमेशा कोशिश की कि पीछे मुड़कर ना देखूं। जब भी मेरे मन में रोष के स्वर उठने लगते, मैं या तो जिम चला जाता या फिर किसी सुनसान सड़क पर कई किलोमीटर साइकिलिंग करने के लिए निकल जाता और इस शब्द की गूंज से मेरी आत्मा का रोम रोम भर जाता। लेकिन मुझे अपने अंदर प्रस्फुटित होते इस ज्वालामुखी से डर लगना शुरू हो गया था। मैंने अपने आप से एक वादा किया कि इस शब्द को स्वयं को मजबूत करने दूंगा, ताकि जीवन के कठिन पथ पर चलना कुछ आसान हो सके। लेकिन आज जब इस आदमी ने मुझे मेरे बेटे के सामने उसी नाम से पुकारा, अपमान से सने आक्रोश की लहरें मानो फिर से जग उठी। मैंने ऐसा पहले कभी अनुभव न किया था। ऐसे लगा जैसे किसी एक हार्मोन ने दूसरों को कहीं पीछे धकेल दिया हो। मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि लोग जिनसे मैं रोज़ मिलता जुलता हूँ, ये मेरे हम वतन हैं। और शायद मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी उसी तरह सोचने को विवश हो जाए जैसे मैं हुआ था। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से कुछ गलत नहीं कहा। वे ऐसा कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा व्यवहार करने का अधिकार कौन देता है, जैसे कि वो मुल्क के जमींदार हों और मैं कोई घृणित कीड़ा। हाँ, मैंने उस आदमी को मारा, लेकिन वह सिर्फ एक मुक्का था। मुझे नहीं पता था कि व्यवहार उसके लिए घातक होगा। शायद मेरी नसों में बहता हुआ कड़वा लहू मुट्ठी के नीचे तक आ गया और जहाँ मेरे क्रोध का लावा पहले ही जमा हुआ था, और शायद ये सारा लावा एक मुक्के में सिमट गया होगा। लेकिन जज साहब, अगर सुन्नत मेरे मजहब का एक हिस्सा है, तो किसी को क्या हक है कि कोई मुझे कटुआ कहे? शुक्रिया।